अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हो और सर्च कर रहे हो कि कहाँ विजिट करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 12 डेस्टिनेशंस बताने वाला हूँ उत्तराखंड की, और साथ ही साथ उन प्लेसेस का बेस्ट टाइम टू विजिट भी। ये भी बताऊंगा कि क्या खास है उस पर्टिकुलर जगह पर विजिट करने के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहली डेस्टिनेशन है ओली। ओली में आपको बहुत सुंदर हिमालयन पीक्स के व्यू देखने को मिलेंगे, एंड इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है दिसंबर टू फेब। विंटर्स में स्नोफॉल के बाद इस प्लेस का नजारा कुछ और ही होता है। काफी ज्यादा टूरिस्ट विंटर्स में यहाँ आते हैं स्कीइंग एंड हाइकिंग के लिए। ओली को इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा ओली फेमस है 4.5 किलोमीटर लंबे रोपवे की वजह से। उस 4.5 किलोमीटर को कवर करने में 25 मिनट का टाइम लगेगा। उस 25 मिनट में आपको बहुत अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। आप रोपवे से ओली पहुंच सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जोशीमठ से। रोपवे की टिकट का प्राइस है लगभग 1500 रुपए पर पर्सन आना एंड जाना। ओली में आप विजिट कर सकते हैं आर्टिफिशियल लेक, गुरसोन बोगल ट्रैक, जोशीमठ, चनाब लेक एंड टेम्पल। ओली की हाइट है 2900 मीटर एंड दिल्ली से इसकी दूरी है 500 किलोमीटर। 12 घंटों की ड्राइव में दिल्ली से आप यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के उन प्लेसेस में से एक है जहाँ हर सीजन में काफी ज्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं, क्योंकि ये प्लेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड दिल्ली से काफी ज्यादा पास भी है। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं कैंपटी फॉल्स, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, लाल टिब्बा, गन हिल पॉइंट, कंपनी गार्डन, मसूरी लेक, नाग टिब्बा, मॉल रोड एंड क्लाउड्स एंड। मसूरी में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है, तो यहाँ आप 2 से 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। मसूरी में आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। अप्रैल टू जून की बात करूं तो मौसम काफी प्लीजेंट रहता है। मसूरी की हाइट है 2000 मीटर एंड डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून, वहाँ से आपको लोकल बस मिल जाएगी मसूरी के लिए। एंड इसके अलावा दिल्ली से आप सेमी स्लीपर वोल्वो बसेस में भी आ सकते हो देहरादून तक। एंड अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहो तो दिल्ली से मसूरी का डिस्टेंस है 320 किलोमीटर एंड 7 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नैनीताल। नैनीताल फेमस है अपने अमेजिंग व्यूज, नैनी लेक एंड प्लीजेंट वेदर की वजह से। नैनीताल में आप विजिट कर सकते हो ओल्ड टेम्पल्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स, टिफिन टॉप, बर्ड सेंचुरी, स्नो व्यू पॉइंट, मॉल रोड, इको केव गार्डन, नैना पीक एंड और भी काफी कुछ। नैनी लेक में आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। नैनीताल में रोपवे भी है एंड उसकी लेंथ है लगभग 2 किलोमीटर। कवर करने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। आपको इस 10 मिनट में काफी अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे सिटी एंड माउंटेन्स के। रोपवे का प्राइस है अराउंड 350 रुपए। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम टू विजिट है मार्च टू जून। इस टाइम यहाँ काफी प्लीजेंट मौसम होता है। नैनीताल की हाइट है 2080 मीटर एंड दिल्ली से इसकी दूरी है 325 किलोमीटर। कुछ 7 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हरिद्वार। हरिद्वार नॉर्थ इंडिया के रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा के पानी को बहुत प्योर माना जाता है एंड इसकी पूजा भी होती है। इस प्लेस की वाइब्स बहुत अच्छी है। सुबह और शाम में हर की पौड़ी पर गंगा आरती होती है, जिसे देखने काफी लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ विजिट करोगे। हरिद्वार में आप काफी सारे घाट विजिट कर सकते हो, साथ ही साथ काफी सारे एंशियंट टेम्पल्स एंड आश्रम भी। आप हरिद्वार पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी है 220 किलोमीटर। कुछ 5 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानीखेत। ये टाउन सिचुएटेड है अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट में एंड यहाँ से भी आपको काफी ब्यूटीफुल माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे। रानीखेत में एक गोल्फ कोर्स है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। ये गोल्फ कोर्स रानीखेत का फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो यहाँ आपको अच्छे स्पॉट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे विजिट करने के लिए है रानी लेक, सनसेट पॉइंट, एप्पल गार्डन एंड काफी सारे टेम्पल्स, जिनकी बहुत मान्यता है वहाँ पे। दिल्ली से इसकी दूरी है 380 किलोमीटर। कुछ 9 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो एंड इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल से नवंबर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश को वर्ल्ड की योगा एंड मेडिटेशन कैपिटल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ऋषिकेश फेमस है अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए। आप यहाँ रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। ऋषिकेश में आप कहीं से भी राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वो आपको कार से उस स्पॉट तक लेकर जाएंगे, जो कि मैक्सिमम है 16 किलोमीटर एंड वहाँ से आप राफ्टिंग करते हुए वापस आएंगे। आप यहाँ बंजी जंपिंग भी कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट रहेगी 4000 के आसपास। इसके अलावा आप यहाँ विजिट कर सकते हैं काफी ओल्ड टेम्पल्स, घाट्स, लक्ष्मण झूला, राम झूला एंड आश्रम। यहाँ का बेस्ट टाइम टू विजिट है सितंबर टू मार्च। दिल्ली से इसकी दूरी है 240 किलोमीटर एंड 5.5 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट
डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन रामनगर। जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। आप यहां जीप सफारी कर सकते हैं। आपको यहां टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड और भी काफी एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसके 5 मेजर जोन हैं एंड आपको पहले ही बुक करना होता है कि आप सब जोन में जाना चाहते हो या कुछ पर्टिकुलर जोन में। आपको यहां जाने से 45 दिन पहले बुकिंग करनी होती है। सफारी का प्राइस रहता है 5,000 से 6,000 रुपए पर पर्सन, जिसमें एक टाइम पे 6 पर्सन जा सकते हैं। यहाँ जीप सफारी 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में 6 बजे से 9:30 बजे तक एंड इवनिंग में 3 बजे से 6 बजे तक। इसके अलावा एलिफेंट सफारी का भी ऑप्शन है। आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा सेफ्टी के लिए। 5.5 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कसौनी। कसौनी फेमस है अपने सीनिक व्यूज की वजह से। कसौनी को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आपको यहाँ से हिमालयन पीक्स देखने को मिलेंगे। कसौनी में विजिट करने के लिए है वाटरफॉल्स एंड टेम्पल्स। आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हो एंड इसके अलावा कसौनी स्टारगेजिंग के लिए भी फेमस है। रात के टाइम क्लियर स्काई में आप मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। दिल्ली से इसकी दूरी है 435 किलोमीटर। कुछ 11 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। अक्टूबर यहाँ काफी प्लीजेंट वेदर रहता है एंड दिसंबर से फरवरी के बीच में पूरा टाउन स्नो से कवर हो जाता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। कसौनी की हाइट है 1900 मीटर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लैंडस्टोन। लैंडस्टोन उत्तराखंड की ऑफबीट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको रॉ नेचर देखने को मिलेगा, जहाँ आप कैंपिंग एंड जंगल सफारी भी कर सकते हो। विजिट करने के लिए यहाँ है टेम्पल्स, बुल्ला लेक, म्यूजियम, टिप एंड टॉप, स्नो व्यू पॉइंट एंड नेचर स्पॉट। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करूं तो आप यहां विंटर्स में जा सकते हो, दिसंबर से फरवरी के बीच में। इस टाइम पे आपको यहां स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। दिल्ली से इसकी दूरी है 270 किलोमीटर। कुछ 7 घंटों की ड्राइव में आप यहां पहुंच सकते हो एंड इस टाउन की हाइट है 1800 मीटर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ, जो कि इंडिया के 4 धाम में से एक है। बद्रीनाथ सिचुएटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंड इसका नाम बद्रीनाथ टेम्पल से रखा गया है। कहा गया है एक इंसान को 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए अपनी लाइफ। यहां आना एकदम वर्थ है, आपको मन में शांति महसूस होगी। बद्रीनाथ की हाइट है 3,300 मीटर। दूसरे प्लेसेस के जैसे ये पूरे ईयर ओपन नहीं रहता। विंटर्स में हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ नहीं आया जा सकता। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं मई से नवंबर के बीच में। दिल्ली से इसकी दूरी है 560 किलोमीटर एंड 14 घंटों की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। डेस्टिनेशन है केदारनाथ। केदारनाथ इंडिया के रिलीजियस प्लेसेस में से एक है एंड श्री केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करके जाना होगा। ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है लगभग 17 किलोमीटर। पैदल यात्रा स्टार्ट होती है गोरीकुंड से। केदारनाथ सिचुएटेड है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंड हरिद्वार से आपको यहां के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। यहां आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू जून। अभी अप्रैल में ही यहां काफी भीड़ हो जाएगी एंड सब होटल्स के प्राइसेस भी काफी हाई हो जाएंगे। अगर आप पैदल यात्रा ना करना चाहो तो आप हेलीकॉप्टर से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं एंड इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां विजिट कर सकते हैं वो है चोपटा। चोपटा की दिल्ली से दूरी है 390 किलोमीटर एंड लगभग 10 घंटों की ड्राइव में आप यहां पहुंच सकते हो। वैसे तो चोपटा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है तुंगनाथ टेम्पल के लिए, जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल है एंड तुंगनाथ टेम्पल की ऊंचाई है लगभग 3700 मीटर। चोपटा से लगभग 3.5 किलोमीटर ट्रैक करके आप इस टेम्पल तक पहुंच सकते हो एंड रास्ते में आपको अमेजिंग व्यूज दिखने वाले हैं। इस जगह का बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल टू अगस्त। तो ये थे टॉप 12 डेस्टिनेशंस उत्तराखंड। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।